मीठी जलेबी तो आपने बहुत खाई होगी, एक बार ये नमकीन जलेबी खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा और आप बार बार खाएंगे। मैंने बाउल में लगभग 300-400 ग्राम आलू लिए हैं बॉईल। मैंने आलू को क्रश कर लिया है इस तरह से, और चिली फ्लेक्स लिए हैं थोड़े से, और थोड़ा पिज्जा सीजनिंग, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी लिए हैं क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था, और स्वाद अनुसार नमक, आप चाहे तो धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है मैंने, और 2 बड़े चम्मच मैदा। इस तरह से हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से मिला लेंगे हाथ से अच्छी तरह से ताकि हमारा डो अच्छा बने। इस तरह से मैंने हाथ में थोड़ा तेल लगा लिया है ताकि चिपके ना, और डो को पहले गोल करेंगे फिर उसके बाद लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद हम इसको इस तरह से लंबा करना है, इस तरह से उसके बाद जलेबी का शेप दे देना है जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, आपकी चॉइस के अनुसार है। मुझे ये अच्छा लगा ये, इसलिए मैं जलेबी का शेप दे रही हूँ इस तरह से। इस तरह से मैंने सारे जितने भी डो था मैंने उसका बना लिया शेप, इस तरह से दे दिया है। तेल गरम करके मैंने उसमें जलेबी डाल दिया, जलेबी स्नैक्स, और धीरे धीरे धीमी आंच पे बनाना है ताकि जो हमारा ये आलू स्नैक्स है ये अंदर से भी और बाहर से भी क्रंची और अच्छी तरह से सिक जाए। इस तरह से देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब मैंने प्लेट में निकाल लिया है इस तरह से, और सारे को अच्छी तरह से मैंने सेक लिया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है, कितना प्यारा बना है इस तरह से। आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कितना क्रंची बना है इस तरह से, देखिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और आप इस स्नैक्स को चटनी के साथ मज़े लेके खाइए।